यहाँ पे हम वापस से खेलने जाए रो फिर वाइस टाउन। तो यहाँ पे हमें टिप्सन दादा ने बुलाया है, पता नहीं क्यों बुलाया है, कोई काम आ गया होगा, कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, तो हमें उनसे मिलना है। तो मिल के देखते हैं क्या काम आ गया है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं टिप्सन दादा के पास, वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा क्या हुआ। तो यहाँ पर दौड़ते दौड़ते निकलता हूँ यहाँ पर टिप्सन दादा के पास। उनके पास पहुँचने के बाद देखते हैं पूछते क्या हुआ। तो भाई टिप्सन दादा क्या हुआ आपको, हमें क्यों बुलाया है? छोटे मेरा दोस्त एक मुसीबत में है, काफी मार है, गुंडे बहुत सारे गुंडे हैं वहाँ पे, मेरे दोस्त को जाके बचा, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी जाओ उसे बचा के ले आ। तो यहाँ पे मुझे टिप्सन दादा के फ्रेंड को बचाना होगा, इनका फ्रेंड काफ़ी मुसीबत में, काफ़ी गुंडे मार पीट रहे होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले निकलना होगा इनके फ्रेंड को बचाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बाइक मंगाएंगे, गोस्ट राइडर बाइक, काफ़ी ख़तरनाक बाइक रहती है भाई, इसके आगे मुंडी में आग लगी हुई होती है भाई, इसके अंदर नहीं लगी होगी। तो यहाँ पर फटाफट इसको मंगाने के बाद यहाँ से निकलते हैं, तो फटाफट इसे ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऑर्डर देने में टाइम लगता है भाई, आ रही है बाइक, आ गई अपनी बाइक, बाइक आ जाने के बाद देख लेते हैं अपनी बाइक कैसी है। तो भाई एक नंबर बाइक है, इसके ऊपर फटाफट बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ पे। तो भाई उतर के देख लेता हूँ रियल या फेक है बाइक। तो भाई रियल बाइक है, एक नंबर बाइक है अपनी। तो फटाफट बैठो और यहाँ पे निकलो। तो भाई यहाँ पे जल्दी हमको जाना होगा, नहीं तो काफ़ी मुसीबत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से, निकलने के बाद देखेंगे वहाँ पे जाके क्या लफड़ा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम संभाल लेंगे, क्या जो भी लफड़ा होगा देख लेंगे। तो यहाँ से हम फटाफट इसकी स्पीड देख रहे हो भाई, एक नंबर स्पीड, मतलब धूम 3 को भी फेल कर देगी भाई, इतनी रफ्तार इस बाइक में है। तो भाई इसकी स्पीड बहुत तेज है, 200 गुना तेज। तो यहाँ से हम फटाफट निकलते भाई, यहाँ पे कुछ होए भाई देख लेते यहाँ पे कुछ क्या है, मतलब भाई यहाँ पे कुछ तो मैंने देखा। तो यहाँ पे फटाफट उतर के देख लेते क्या है। तो उतर भाई यहाँ पे क्या है देखते हैं। तो भाई उतर जा भाई उतर जा, यहाँ पे उतरने के बाद देखते भाई यहाँ तो कचरा पेटी, भाई यहाँ कचरा पेटी में कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ से निकलते भाई, अपने को लफड़ा नहीं करना भाई, कचरा नहीं लूटना अपने को यहाँ पे। तो भाई मुझे लगा यहाँ पे सोना चांदी है भाई, इसलिए मैं यहाँ पे आया, नहीं तो नहीं आता। तो यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट भाई, यहाँ पे नहीं जाना अपने को, पीछे के साइड जाना है। तो यहाँ हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं भाई, तो हमको सीधा जाना है, मतलब सीधा जाना था भाई। तो यहाँ पे फटाफट हम एक स्टंट मारने का आएगा, मतलब स्टंट मारेंगे बहुत खतरनाक वाली बाइक से मारेंगे भाई, ये गोस्ट राइडर वाली बाइक है अपनी, गोस्ट राइडर वाली, तो मतलब एक नंबर स्टंट होगा इससे। तो हम फटाफट स्टंट मारेंगे भाई, यहाँ पे मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हम अपनी बाइक को कैसे निकालेंगे, वही हम सोच रहे हैं अपनी बाइक को कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो हम आइडिया निकाल रहा हूँ भाई, बाइक को तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे अपनी गोस्ट राइडर को। तो हम अपनी बाइक को कब्जे में छोड़ के यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे अपनी बाइक को हम नहीं निकाल सकते, काफ़ी दुखी की बात है, अपनी बाइक को लेकर नहीं जा सकते यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अपनी बाइक को हमने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद यहाँ से निकलते हैं फटाफट, नहीं तो काफ़ी लफड़ा हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, जो कि हमको लफड़ा करने का नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने आ चुके अपने फ्रेंड के पास, जिसे हमको बचाना होगा काफ़ी गुंडों से। तो फटाफट आ गए अपने फ्रेंड के पास, फ्रेंड के आने के पास जाने के बाद देखेंगे क्या लफड़ा हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे फटाफट पहुँच जाते, पहुँचने के बाद देखेंगे भाई पहुँच ही गया लगभग में। तो भाई यहाँ पे जाली लगा के रखा है भाई, तो भाई जाली तोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन जाली नहीं तोड़ेंगे भाई, हम रूल के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो यहाँ पे लफड़ा नहीं करना अपने को। तो यहाँ पे पुलिस भी आ सकती है भाई, बहुत डेंजर लेवल की पुलिस आ सकती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे गन को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये रहा मेरा दोस्त पीछे है, जिसे हमें बचाना है। तो यहाँ पे फटाफट 4-5 गुंडे आ चुके हैं भाई, इन गुंडे को सबक सिखा लेता हूँ, फिर टिप्सन दादा के पास जाएंगे, फिर बताएंगे कि हमने इनके दोस्त को बचाया कि मार डाला। तो यहाँ पे फटाफट इनके दोस्त को हम बचा लेते हैं, बचाने के बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो 4-5 गुंडे आ चुके हैं हमारे भाई, यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है मुझे यहाँ, तो स्टार लेने के बाद मैं और भी ताकतवर बन जाऊँगा, मतलब और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। तो भाई एक नंबर स्टार है भाई, यहाँ पे मुझे एमओ मिली है गन की, तो भाई एमओ मिली है तो मतलब मैं ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा, बनने के बाद इनकी धुलाई कर दूँगा भाई। तो मेरा दोस्त और ये हम दोनों मार दें, तो भाई फटाफट मार के लिपटा के यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो भारी लफड़ा हो जाएगा, काफ़ी गुंडे आ जाएंगे यहाँ पे, तो मैं संभाल नहीं पाऊँगा अकेले, इतना भी ताकतवर नहीं हूँ कि सारे गुंडे को एक साथ मार सकूँ मैं। तो यहाँ से मैं फटाफट निकलने की कोशिश करूँगा इनको मारने के बाद। तो यहाँ पे मैं तगड़ी वाली गन ले चुका हूँ, जिससे कि फटाफट इन्हें मैं मार दूँ। तो मारने के बाद यहाँ से निकलता हूँ भाई, यहाँ पे एक मिशन आ रहा है, मतलब यहाँ पे जाना है मुझे, यहाँ पे जाने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट गन चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी गुंडे आ सकते हैं भाई, खतरा बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे फटाफट इन्हें मारने के बाद निकलते हैं, तो भाई काफ़ी गुंडे आ चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा गुंडे आ चुके हैं, इतना तो मैं नहीं संभाल पाऊँगा। तो भाई यहाँ पे लग रहा है हम मारने वाले हैं, मरने वाले हैं भाई, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन तो भी हम कोशिश करेंगे मारने की। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे मारने की, और मारने के बाद हम मर जाएंगे, मरेंगे नहीं जिंदा बचेंगे भाई, हम मरना बिल्कुल नहीं चाहते। तो यहाँ पे भाई एड आ चुका है, बाद बहुत गुस्सा आता है भाई जब एड आता है, तो भाई इसे हटाते फटाफट, हम अपनी गन को सेलेक्ट करके यहाँ से निकलते, नहीं तो बहुत भारी लफड़ा हो जाएगा, जब लफड़ा होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जीत चुके हैं भाई,
फाइनली हमें कुछ मिल चुका है, मतलब जीतने के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं, हम टिप्सन दादा से बात कर लेते हैं। टिप्सन दादा से बात करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे टिप्सन दादा कहाँ है भाई, यहीं पे मिलने वाले थे हमें टिप्सन दादा। तो फटाफट हम टिप्सन दादा से मिलते हैं, मिलने के बाद पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना अपने को। तो फटाफट हम आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद देखते हैं कितने गुंडे आते हैं भाई। इतने गुंडे थे ना, और ज़्यादा गुंडे रहेंगे तो भाई बाहरी लफड़ा हो जाएगा अपने को, और जो कि हमको करना नहीं है लफड़ा। तो भाई और गुंडे आ चुके भाई, इतने गुंडे आ चुके भाई, इतने गुंडे को मैं कैसे मारूंगा भाई अकेला। तो यहाँ पे इतने सारे गुंडे को मैं नहीं मार पाऊंगा भाई अकेला, काफ़ी लफड़ा हो जाएगा। मतलब कि इतने सारे गुंडे आ गए हैं तो मतलब अकेले कैसे मारूंगा। तो फटाफट इन गुंडों को मार के लिपटा के यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो बहुत भारी लफड़ा हो जाएगा भाई। बहुत ज़्यादा गुंडे आ चुके, बहुत ज़्यादा आ चुके, बहुत ज़्यादा। तो भाई हमारा मिशन पार हो गया, मतलब कि काफ़ी गुंडों को मैंने मार दिया। यहाँ पे टिप्सन दादा आने वाले थे भाई, यहाँ पे अभी तक आए नहीं, आ गए, देखते हैं टिप्सन दादा से बात कर लेते क्या हुआ। छोटे तूने मेरे दोस्त को बचा लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ताकतवर बन जाएगा एक दिन जाके। अभी मिलता हूँ, बाद में मिलूंगा, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टिप्सन दादा किसी से बात कर रहे, मतलब बिजी आदमी है, तो इनसे हम बाद में मिल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकलते हैं, एक सीक्रेट जगह पे जाना है अपने को। तो भाई ये सीक्रेट पैलेस यहीं पे है, जो कि यहाँ पे बहुत खतरनाक सीक्रेट पैलेस है भाई। यहाँ पे एक ढोंगी बाबा रहता है भाई, ढोंगी बाबा यहाँ पे चमत्कार करता है भाई। इसके अंदर मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, मजाक ही कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई ढोंगी बाबा नहीं रहता, तो हम सिंपल सा इसके अंदर घुस जाते। घुसने के बाद यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ पे ढोंगी बाबा के पास हमको नहीं जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम निकलते हैं, निकलने के बाद यहाँ पे हम सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाएंगे, जहाँ पे चढ़ के देखेंगे यहाँ पे क्या लफड़ा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब भाई यहाँ पे दंगा बहुत होता रहता है, यहाँ पे पुलिस वाले ना अपने आप को डॉन समझते हैं, मतलब कुछ भी कर लो यहाँ पे डॉन समझते ही हैं। तो यहाँ पे हमने बाइक छोड़ी थी अपने, कहाँ पे है वो बाइक हम फटाफट ढूंढ लेते हैं भाई। यहाँ पे मैंने छोड़ी थी अपनी बाइक को, बाइक मिल जाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं अपनी बाइक को हम निकाल पाएंगे कि नहीं यहाँ से। तो ये रही हमारी बाइक, बाइक को अंदर मिधरीज मैंने छोड़ के चला गया था। तो हमारी बाइक कहाँ है भाई, जैसा छोड़ा था वैसे ही है, मतलब हमने अपनी बाइक को जैसा छोड़ा था यहीं पे पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई टच भी नहीं किया अपनी बाइक को। तो इसे कहते हैं ताकत भाई, इसे नाच क्यों रहा है भाई, यहाँ पे नाचेगा तो काफ़ी लफड़ा हो जाएगा, हमको नाचना नहीं, यहाँ से निकलना है। तो भाई हम फटाफट यहाँ से निकल लेते, अपने बाइक को नहीं ले जा सकते यहाँ पे, मतलब बाइक को निकाल नहीं सकते। मैं कोशिश को कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकता हूँ अपनी बाइक को भाई, बाइक नहीं ले जा सकती यहाँ से, तो हमको अकेले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट, बाइक को हम नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पे बाइक को नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट तीर मारते हैं स्पाइडरमैन की, स्पाइडरमैन के तीर मारने के बाद यहाँ से निकलते भाई। यहाँ पे जंप किया, जंप करने के बाद तीर मारा, तीर मारने के बाद यहाँ से निकलते, नहीं तो हमें यहाँ पर सड़ना नहीं अपने को, सड़ना नहीं अपने को, यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग पे आ चुका हूँ, बिल्डिंग पे आ जाने के बाद यहाँ पे दौड़ता हूँ, दौड़ने के बाद मुझे एक बाइक मिलती है भाई। ये भी एक अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, इस बाइक वाले को मैं ले लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ से लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो काफ़ी लफड़ा हो जाएगा भाई। पुलिस वाले बहुत मारते, सच में बहुत ज़्यादा मारते, जो कि पुलिस वाले से हमको लफड़ा नहीं करना भाई, तेल लगा के मारते, बहुत गंदी मारते हैं भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगले एपिसोड में एक न्यू इंटरेस्टिंग एपिसोड आएगा, जो कि बहुत खतरनाक एपिसोड रहेगा भाई, सच बता रहा, बहुत ज़्यादा खतरनाक एपिसोड रहेगा, एक नंबर एपिसोड रहेगा भाई। तो कर दो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कर दो यार सब्सक्राइब लाइक।